हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग ग्रूवी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए, पाकिस्तानी भिखारी जो इंटरनेशनल लेवल में विख्यात हो गए हैं, पाकिस्तानी भिखारी जहाँ भी पकड़ाए जाते हैं, चाहे सऊदीया हो या कहीं भी हो, ना सिर्फ कहने लगे हैं बल्कि दुनिया ने इस कंगाली के नमूने को अपनी आंखों से भी देखा है। जब आटे और दाल के लिए लूट मची थी, इसकी कंगाली का आलम यह है कि वर्ल्ड बैंक लोन देने से मना कर देता है तो कुछ देश कहते हैं पहले दुनिया भर में पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक छवि कुछ इस तरह है कि लोग पाकिस्तान को फकीर देश कहने लगे हैं। ना सिर्फ कहने लगे हैं बल्कि दुनिया ने इस कंगाली के नमूने को अपनी आंखों से भी देखा है। जब आटे और दाल के लिए लूट मची थी, इसकी कंगाली का आलम यह है कि वर्ल्ड बैंक लोन देने से मना कर देता है तो कुछ देश कहते हैं पहले पुराना चुकता करो फिर नया देंगे। मिला जुला कर भीख मांगने का नेचर है जो कि पाकिस्तान सरकार को गवारा है, लेकिन एक अजीबोगरीब बात पाकिस्तान से निकल कर आ रही है, जहां दुनिया भर से भीख मांगने वाला मुल्क अपने देश के भिखारियों को भी अरब देश निर्यात करने लगा है। सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन ये 16 आने सच बात है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी न्यूज चैनलों से ऐसी खबरें चलाई गई। दरअसल इस बात की शिकायत लगातार खाड़ी देशों जैसे सऊदी, यूएई और ईरान की ओर से की जा रही है। प्रवासी पाकिस्तानी मंत्रालय के सचिव ने बुधवार को एक मीटिंग में इसे लेकर शर्मिंदगी भी जताई। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा विदेश जा रहे हैं। अरब देशों ने कहा है कि देश में जितने भी भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तान के होते हैं। इसके अलावा सऊदी और इराक के राजदूत खुलकर ये बात कह चुके हैं कि आप भिखारियों को हमारे देश क्यों भेज रहे हैं, इनके कारण हमारे देश की जेलें भरी हुई हैं। पाकिस्तान से ये लोग वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर वहां भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि यहां के लोग भीख भी रियाल में देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। अरब कंट्री की गवर्नमेंट भिखारियों को लेकर सख्त है, यहाँ भीख मांगने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। सऊदी पुलिस ने इसी साल अप्रैल में मक्का की पवित्र मस्जिद के सामने से भिखारियों के एक ग्रुप को गिरफ्तार किया था। भीख की प्रथा को खत्म करने के अभियान के तहत ये किया गया था। ये लोग यहाँ पहुँचे तीर्थ यात्रियों से पैसे मांग रहे थे। जारी है, 2019 में खबर आई थी कि गूगल पर भिखारी टाइप करने पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर सामने आ जा रही थी। पाकिस्तान तब इस पर खूब तिल मिलाया था, लेकिन अब तो ये आधिकारिक हो चुका है। पाकिस्तान दुनिया को भिखारी सप्लाई करने वाला मुल्क बन चुका है। इस बात की शिकायत लगातार खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई और ईरान की ओर से की जा रही है। प्रवासी पाकिस्तानी मंत्रालय के सचिव ने बुधवार को एक मीटिंग में इसे लेकर शर्मिंदगी जताई। उन्होंने कहा, हमारे भिखारी सबसे ज्यादा विदेश जा रहे हैं। दूसरे देशों में जितने भी भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराक और सऊदी अरब के राजदूत खुलकर कह चुके हैं कि आप अपने भिखारियों को हमारे पास क्यों भेज रहे हैं, इनके कारण हमारे देश की जेलें भरी हुई हैं। पाकिस्तान से ये लोग वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर वहां जाकर भीख मांगने लगते हैं। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये लोग सऊदी उमरा का वीजा लेकर पहुंचते हैं और मस्जिद के बाहर भीख मांगते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश लोग रुपए की जगह रियाल में भीख देते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के पास टैलेंट की कमी है, इसके साथ ही विदेशी लोग पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते हैं। बता दें कि खाड़ी देशों में सरकार भिखारियों को लेकर बेहद सख्त है, यहाँ भीख मांगने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। सऊदी अरब ने इसी साल अप्रैल में मक्का मस्जिद के सामने भिखारियों के एक ग्रुप को गिरफ्तार किया था। वही कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी का वीडियो सामने आया था जिसमे वह प्लेन में भीख मांग रहा था। इसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने बस यही कहा
पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल दुनिया पाकिस्तान को भिखारी सप्लाई करने वाले मुल्क के तौर पर देखने लगी है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए भिखारी पाकिस्तान का ये टैलेंट, मतलब वो लोग हवाई जहाज पे चढ़ के भी भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और खबर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहां पर जाकर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। सबसे ज्यादा जो कि भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए, आवाम को रोजगार मिल जाए, आवाम को सस्ती चीजें मिल जाए, हमारा फूड बास्केट भर जाए, हम कर्ज लेना रोक दे, नकुंद होना रोक दे, तो फिर हम लड़ाई भी करेंगे। This is unbelievable. मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है, खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है, ये हमें सुनने को मिलना था। दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेंगे। और जो हम बात करते हैं कि हुनरमंद अफराद, अभी हम बात कर रहे थे ना
ये खुशियां मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई हो गई, अब तो वहां पर पाकिस्तानी जो है वो जहाज भर भर के जाएंगे काम करने के लिए। सर वो जहाज भर भर के जो जा रहे हैं वो भिखारियों के जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया नौशीन यूसुफ की जो रिपोर्ट आपने देखी जियो न्यूज पर, उसमें क्या बताया उन्होंने कि वहां पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना इज्जत नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए, कोई फायदा नहीं होता, तनु देना पैना तो पैसे दो सर, तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन और जहाज भर भर के दूसरे कंट्रीज में जाना, फ्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज में जाके भिखारी बन रहे, तो ये कोई हुनर नहीं है? ऐसी स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास होंगी? आप मुझे बताइए, मैं नहीं समझती कि ऐसी स्किल किसी के पास होगी। फिर पूरी दुनिया को ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये स्किल किसी के पास नहीं हो सकती। मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि जो बात हुई स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की, उसमें जनाब ये कहा गया है कि जो सेक्रेटरी है ओवरसीज पाकिस्तानी निशांत खानजादा, ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने ये रिवील किया है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी जो ट्रैवलिंग अब्रॉड, उनमें जो है वो क्या करते हैं कि वहां पे जाके वो भिखारी बन जाती। अच्छा अब ये एक अलग बात है, भिखारी बन नहीं जाती, यानी उनका ये कहना था कि वहां पे जाके वो भीख मांग रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से जा ही भिखारी रहे हैं, या फिर एक और काम हो सकता है। देखिए अब इसमें इसका एक और एंगल है और वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि क्योंकि पाकिस्तान में हालात खराब है और खाने को रोटी नहीं है और बहुत ज्यादा जो जैसे कि गुर्बत जो है 9 करोड़ अफराद गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, 40% जो है वो बताई जा रही है और इन्फ्लेशन क्या आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे पहुंच गई है। तो जो बेचारों के पास वीजा मिलता है किसी को वो बाहर चला जाता है, अब जाहिर है कि उसके पास वहां पे जाने के कुछ है नहीं तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना कि वो जब भूख से मर रहे हो तो हराम भी खा लो। और दिलचस्प बात एक और इसके अंदर है, वो ये है कि जैसा इसमें बताया गया कि वहां पर उमरा करने की उससे जाते हैं, देखिए ना ये भी आ रहा है कि वो जाते सऊदी अरेबिया उमरा के वीजा पे है। अब वो भिखारी ही कोई उमरा का वीजा लेके वहां पे जाते हैं या आम लोग उमरे के लिए वीजा लेके वहां पे जाके भिखारी बन रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटेजी है कि भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। यानी हम इसको क्या समझे आप मुझे बता दें, बस मुझे समझ नहीं आ रही, आप तुसी सानू दस सकते हो, मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो की रहा। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ और अभी तक आप वो गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते, अब वो डॉलर नहीं आएंगे, दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स में जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है, दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है, आप दहशत गर्दी के सवाय और दूसरे प्रोडक्ट कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, आप वो लोग नहीं खरीद रहे, टेररिज्म क्या करें। लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था क्या वजह है हम 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे वार लॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वार लॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे, अब वो हश पड़ गए आपको यार मार वो इतने मिलियन यार फलान इतने मिलियन बना रही है, फलान इतने मिलियन बना रही है, अब हम क्या करें। तो वो जो ख्वाब आपके डॉलरों के खुदा ना उसको चेंज करें, अब कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाए, सोचे हमने क्या खाना है क्या करना है। जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन बताया कि 9 करोड़ लोग गुर्बत से किशरा से नीचे जा चुके, 22-23 करोड़ टोटल आबादी हो और 9 करोड़ गुर्बत से नीचे लोग हो, तो आप क्या है क्या है। मेरे तो कोई मैं तो खुद आज सोचता हूं कि दुनिया जब आपके अफगान भाई भी आपकी इकॉनमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाए, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी कोई शर्म नहीं। और आपको चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े और आपकी किस्मतों के फैसले देखें,